करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। उत्तर भारत के लगभग हर घर में आज बहने ऐसे ही अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं। लेकिन ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, पहली बार किसने किसको बांधी राखी? किसी भी पर्व की शुरुआत को दो तरीकों से समझ सकते हैं, पहला शास्त्र और दूसरा लोक परंपरा। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा पर मनाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन ब्राह्मण वर्ग यज्ञोपवीत बदलता है। लोक परंपरा में इसी दिन बहने भाइयों की कलाई पर नया धागा बांधती हैं। रक्षाबंधन का जिक्र भी किसी प्राचीन ग्रंथ में सीधे नहीं मिलता, लेकिन इससे जुड़े श्लोक और कुछ कथाएं जरूर हैं। येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र से जुड़े इस श्लोक की कहानी असुर राजा बलि से जुड़ी है, जो भागवत पुराण में है। कहते हैं एक बार राजा बलि स्वर्ग जीतने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जिसमें भगवान विष्णु वामन अवतार में पहुंचे और दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि तुरंत मान गए। वामन अवतार ने पहले पग में धरती और दूसरे पग में पूरा स्वर्ग नाप लिया। अगला पग बढ़ाया तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान खुश हुए और बलि को पाताल का राजा बना दिया। साथ ही वचन दिया कि भगवान विष्णु हमेशा द्वारपाल बनकर बलि की रक्षा करेंगे। विष्णु के वापस न लौटने पर हैरान परेशान लक्ष्मी जी बलि के पास पहुंची। उन्होंने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और अपने पति को वापस ले आई। इसी प्रसंग के साथ दिया गया श्लोक आज भी रक्षा सूत्र बांधते समय बोला जाता है। दो किस्से भविष्य पुराण में भी मिलते हैं, जिसमें बहन ही नहीं पत्नी अपने पति को रक्षा सूत्र बांधती है। असुर संग्राम के दौरान इंद्र की पत्नी शची ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अजेय होने की कामना की। ऐसे ही यमुना जब अपने जुड़वा भाई यमराज से 12 सालों के बाद मिली तो उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा और हर साल उसी दिन यानी श्रावण पूर्णिमा को मिलने का वचन ले लिया। महाभारत में भी कई जगहों पर रक्षा सूत्र का जिक्र मिलता है। शिशुपाल वध के समय जब श्री कृष्ण की अंगुली में चोट लगी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर बांध दी। वहीं कुंती ने भी अपने पोते अभिमन्यु को रक्षा सूत्र बांधकर अजेय होने का वरदान दिया। ऐसे ही सेना की रक्षा के लिए युधिष्ठिर को भी कृष्ण ने मणिमय सूत्र बांधने की सलाह दी थी। इतिहास के पन्ने पलटने पर यहाँ भी रक्षा सूत्र के धागे मिल जाते हैं। विश्व विजय पर निकला सिकंदर जब भारत पहुंचा तो पोरस से सामना हुआ। जब पोरस हावी होने लगा तो सिकंदर की पत्नी रुक्साना ने पोरस को राखी भेजकर सिकंदर की रक्षा की। कुछ किस्से मुगल बादशाहों से भी जुड़े हैं। साल 1535 में जब चित्तौड़ पर हमला हुआ तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। वहीं अकबर भी अपने राज्य में राखी मनाता था और इस दिन राजकीय अवकाश भी होता था। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी देश के कई हिस्सों में जारी है, बस नाम अलग है। जैसे उत्तर भारत में इसे राखी या रक्षाबंधन कहते हैं, वहीं तमिलनाडु में अवनी अट्टम, बंगाल और असम जैसे पूर्वी राज्यों में ये पर्व झूलन पूर्णिमा हो जाता है। महाराष्ट्र और वेस्टर्न घाट में नराली पूर्णिमा तो वहीं राजस्थान में चूड़ा या लुम्बा राखी की परंपरा है। गुजरात में महिलाएं भगवान शिव को राखी बांधती हैं, जिसे पवित्रोपना कहते हैं। तो ये थी रक्षाबंधन के पीछे की पूरी कहानी।